नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए 16 जुलाई के करंट अफेयर। तो दोस्तों सबसे पहले किसने वो है कहाँ वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफर का पहला अनावरण किया गया, तो इसका सही जवाब है दिल्ली। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने सारणी चौक दिल्ली में एक अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफर का अनावरण किया गया। ये प्रणाली पीएम 2.5 और पीएम 10 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन के स्तर जैसे नियमित वायु गुणवत्ता मानकों की मापती है। देश में अपनी तरह की इस प्रणाली का विकास भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा किया गया। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे की स्थापना है जो 17 नवंबर 1962 में की गई। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सिरेमिक्स त्रैवार्षिक कहाँ होगा, तो इसका सही जवाब है जयपुर में होगा। कंटेम्प्रेरी कलेक फाउंडेशन के सहयोग से ज्वार कला केंद्र पहला भारतीय सिरेमिक्स त्रैवार्षिक ब्रेकिंग ग्राउंड प्रस्तुत करेगा। ये आयोजन जयपुर में 31 अगस्त से 18 नवम्बर 2018 तक होगा। ज्वार कला केंद्र में आयोजित होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय सिरेमिक समारोह में 35 भारतीय कलाकार, एक संगोष्ठी, फिल्म स्क्रीन और वयस्कों और बच्चों के लिए कार्यशाला शामिल होगी। दोस्तों जयपुर है राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान की गुलाबी नगरी है। स्थापना 1728 में आमेर के राजा जय सिंह द्वितीय द्वारा इन्हीं के नामकरण पर इसका नाम है जो जयपुर रखा गया। इस जयपुर में प्रसिद्ध स्थल है वो हवा महल है और जंतर मंतर है। अगला क्वेश्चन है किस शहर ने दुनिया के सबसे चलने योग्य शहर बनने के लिए कार्य योजना शुरू की, तो इसका सही जवाब है दोस्तों लंदन। लंदन ने दुनिया का सर्वाधिक अच्छा चलने लायक शहर बनाने को लेकर एक्शन प्लान शुरू किया है। लंदन के मेयर सादी खां की टीम ने वॉकिंग एक्शन प्लान की शुरुआत की। इसका लक्ष्य 2024 तक हर दिन लाखों लोगों के पैदल चलने के लिए प्रोत्साहित करना, वायु प्रदूषण से निजात व दुनिया का पहला अल्ट्रा लो एमिशन जोन बनाने के लिए वॉकिंग एक्शन प्लान को लाया जा रहा है। दोस्तों आप जानते हैं कि लंदन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है, वह सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और ये थेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन नासा किसके वातावरण में पार्कर सोलर प्रोब प्रक्षेपित होगा, तो इसका सही जवाब है सूर्य। अमेरिकी आंतरिक एजेंसी नासा 6 अगस्त 2018 को फ्लोरिडा प्रांत के केप कैनावरेल से सूर्य के वातावरण में पार्कर सोलर प्रोब प्रक्षेपित करेंगे। पार्कर सोलर प्रोब एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है। ये प्रोब सूर्य की सतह से 10 लाख किलोमीटर दूर कोरोनास में करीब 7 साल परिक्रमा करेगा। सूर्य के इसी भाग से सौर वायु सोलर की उत्पत्ति होगी। दोस्तों सौर वायु सूर्य से बाहर वेग से आने वाले आवेक्षिक कणों या प्लाज्मा की वो सारे ये धरती के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी का कारण बनता है। इससे धरती पर संसार प्रौद्योगिकी तहस नहस हो जाती है। अगला क्वेश्चन है भूवैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के नवीनतम युग को किस नाम से वर्गीकृत किया गया, तो इसका सही नाम है आंसर है मेघालय युग। भूवैज्ञानिकों ने 4200 साल पहले शुरू हुई धरती के इतिहास में को मेघालय युग नाम दिया है। वर्तमान में युग होलोसीन युग जो कि 11700 वर्ष पूर्व में जो प्रारंभ हुआ था, जिसका कई भागों में है। इनका सबसे जो युवा है वो मेघालय युग है जो 4200 साल पहले से लेकर 1950 तक का होगा। इस युग की शुरुआत भयंकर सूखे के साथ हुई थी। इसका नामकरण है जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ स्टेटिग्राफी ICS द्वारा मेघालय की एक गुफा की सतह पर जमा सोने के नाम पर, जिसे इस जलवायु घटना को परिभाषित करने में मदद मिली। दोस्तों मेघालय की राजधानी है जो शिलांग है और मुख्यमंत्री सी संगमा है और राज्यपाल गंगा प्रसाद है और इसमें राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है बाल परक्रमा राष्ट्रीय उद्यान है, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है और सिजू पक्षी अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है किस मंदिर ने पहली बार ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो इसका सही आंसर है यदागिरी गुट्टा मंदिर। तेलंगाना के यदागिरी गुट्टा मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ISO प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। मंदिर को पर्यावरण
सुरक्षा प्रबंधन, बिजली की आपूर्ति के साथ साथ मंदिरों के प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण प्राप्त हुआ है। ये मंदिर के लिए पहला ISO प्रमाण है। दोस्तों ये ध्यान रखने की बात है कि ये मंदिरों के लिए पहला ISO प्रमाणीकरण इस नए जो मंदिर ने प्राप्त किया है। तेलंगाना दोस्तों बात का 29वां राज्य है। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को की गई। इसकी राजधानी है जो हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है और राज्यपाल ESL नरसिम्हन है। और इसमें जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वो शिवराम वन्य जीव अभ्यारण, मंजीरा वन्य जीव अभ्यारण आदि है। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश सरकार ने अंतर जाति जोड़ों की सुरक्षा के लिए 24 घंटों की हेल्पलाइन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने अंतर जाति के जोड़ों की सहायता और सुरक्षा के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन निर्धारित की है। राज्यों के सभी जिलों और शहरों में एक विशेष सेल बनाया गया है जिसे उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने के लिए जिला स्तर के अधिकारी शामिल हैं। दोस्तों तमिलनाडु जिसकी राजधानी है चेन्नई है, मुख्यमंत्री के पलानीसामी है, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है और इसमें राष्ट्रीय उद्यान है जो मुकृति राष्ट्रीय उद्यान है, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान आदि। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने अफवाहों की जांच के लिए डिजिटल स्वयं सेवक अभियान शुरू किया? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अफवाहों के मुद्दों को नियंत्रित और अवैध गतिविधियों को खत्म करने के लिए डिजिटल स्वयं सेवकों को साथ लेने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1476 पुलिस स्टेशनों में से प्रत्येक 250 डिजिटल स्वयंसेवकों की सामाजिक मीडिया पर नकली खबरों के प्रचलन को नियंत्रित करने के लिए मदद देगी। दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल राम नाईक है। इसमें राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है, नवाज बंग पक्षी अभयारण्य आदि। अगला क्वेश्चन है, 2020 टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है सुमेति। जापान ने टोक्यो 2020 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए अपने शुभंकरों के नाम अनावरण किए। ओलंपिक का शुभाग जो शुभंकर है जो है वो है सिरेटोवा है। दोस्तों ये सिरेटोवा है इसका सही आंसर है, सॉरी, जिनका अर्थ होता है शाश्वत भविष्य। पैराफ्लिक्स के लिए शुभंकर सोमैति है जिसका अर्थ होता है अत्यंत शक्तिशाली है। टोक्यो ओलंपिक 26 जुलाई 2020 को शुरू होगा और 9 अगस्त तक चलेगा। पैरालंपिक्स 25 अगस्त और 6 सितंबर 2020 के बीच में होगा। दोस्तों ओलंपिक की शुरुआत है 1896 में हुई थी और ग्रीस की राजधानी एथेंस की शुरुआत हुई थी और अंतिम में पैरा ओलंपिक हुआ था वो 2016 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जकार्ता में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर है लक्ष्य सेन ने। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जकार्ता में आयोजित बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियन के फाइनल मैच में विश्व नंबर 1 कुणाल विदित तारण को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय शटलर ने शीर्ष वरीय को 21-19 और 21-18 से हराकर इतिहास बनाया और चैंपियनशिप जीत ली है। तो ये तो थे दोस्तों आज के 26 जुलाई के करंट अफेयर। तो इसकी PDF है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी वीडियो कैसा लगा और इसमें और भी कोई संशोधन हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि हम प्रतिदिन है जो करंट अफेयर लेके आते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।